सारे नेलो के बैठे हो गए। हां जी ताऊ जी सलाह तो नहीं बनाए रखी है ना इन लोगों समर्थक अच्छा। अबे यानी कि संदीप लोट खड़े है अपने सिरसा लोकसभा से। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है वो आ चुका है और ऐसे में सर्वे एनजी न्यूज के माध्यम से आपको पहले भी दिखाया था जब तक जो टिकटार्थी है जो मैदान में नहीं आए थे, अब जो है टिकटार्थी मैदान में आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर इनेलो पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें और अदर पार्टियों के भी जो कैंडिडेट हैं मैदान में आ चुके हैं, तो उसके बाद लोगों का क्या कुछ रुझान है, किस ओर वो करवट ले रहा है, तो उसको लेकर आज हम गांव खरल है नरवाना का गांव खरल जो वोट के हिसाब से वोट बड़ा माना जाता है, अगर बातचीत करें इन गांव के लोगों से अब की बार क्या कुछ इन्होंने मन बनाया है, इनका मन टटोलने की बात करेंगे कि अब की बार लोकसभा चुनाव का सरताज किसके सर चढ़ने वाला है, तो आइए जानते हैं गांव के लोगों से। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? कितनी उम्र होगी? 70। तो अब की बार क्या कुछ माहौल है गांव का, किस ओर है करवट? अभय सिंह चौटाला। खास बात है यार किसाना में दिल्ली बैठे रहे उड़ा माथर खाए टोलना पे गया भाई डॉक्टर उड़ा बिठाए भाई सतीफा उस्ती दे दिया भाई और क्या करवाऊंगा वो और भी कसर है कि काम कर हैं अच्छा जी और भी कसर हो बता कोई इनका तो टिकट भी अपने इलाका की दे रखी है कालम का एक छोरा तो हां हमें पता है कालम को तो जाना खूब जाना उसका मतलब देख के क्या कुछ लगा अभी कैसा लड़का है क्या इतने फिर जो सरकार ने हम कहने फिर उसके वोट के यानी कि आप मतलब खुश हो भाई नरवाना का बेटा को टिकट मिली है? हाँ मैं खुश हाँ। अच्छा जी पहला भी होया था वो कदे भाई नरवाना सिरसा लोकसभा में नरवाना ने किसी टिकट मिली हो ना भाई क्या भाई साहब सबसे पहले तो एनजी न्यूज का भाई गांव खड़ में पहुंचने पर स्वागत है। राम राम सारे दर्शकों तो क्या माहौल है जी गाँव का? माहौल तो भाई इबे तो भी कुछ नहीं होता कैंडिडेट गाँव मांगे बिरा पटा भी किसका माहौल है किसका नहीं किस पार्टी का? बीजेपी ने परेशान बहुत कर रखे हैं बीजेपी तो पूरे दुनिया किसाना का लठ मारे जो बॉर्डर रोकने लग रही थी ताना साई सरकार है तो टाइम बतावागा तो बीजेपी दी रहा होगा मुस्ती वोट देवांगे अगर बीजेपी ने फाइट में ही हुआ होगा इसकी वोट दे देंगे किसती जो कहने वाला यू संदीप लोट। हाँ संदीप लोट जो फाइट में होगा नहीं इसकी वोट दे आपने नू लगे भाई मतलब फाइट करने लग रहा है जे नू लगे नहीं भाई बीजेपी दी रहा इसका ही कांग्रेस नहीं रहा इसकी इसकी देवांगे और जे कांग्रेस दी कहेगी फाइट में कांग्रेस दी देवांगे बीजेपी दी रहा होगा मैं तो जमाना आस कर दिया बीजेपी ने बीजेपी की दौरा हुआ मैं तो उसकी वोट देवा। अशोक तंवर का भी कोई दौरा है भाई सब काम ना कोई दौरा नहीं भाई मैं तो विरोध करांगे और अशोक तंवर रोका दो कोई दौरा नहीं ना मैं रख दे आया जे कदे कुण जेवा जे दो पीछा के लालची हैं जो हम दी कोड़े भेजे हैं दूसरे दी पाछे मैं बेच दिए ईब दूसरे दे कवे मिला बीजेपी के खिलाफ हूं सारे एक चक्की के चट्टे बैठे हैं भाई आए बात है जो बीजेपी के टक्कर में आवेगा नहीं उस पे बीजेपी हरियाणा की चांस पूरे हैं पहला किस तरह वोट दे कर दे पहला आधा नल लोगे चौटाला साहब के अबे भरोसा इबले तो भरोसे है जी ठीक है यो अपनी अपनी जगह पे खड़े है अपनी जगह पे खड़े है आराम है इसकी जगह पे खड़े है जैसे एक नरवाना का आदमी तो दे ही थी भरोसा करके टिकट हाँ। तो के लगा मतलब सही करे गलत करे थी सही करे इबले तो सही हो अभी बनार से ठीक लग गया मतलब बिना एन खाप का बेटा है मतलब ये पूरे चांस राम राम जी राम राम जी
गांव की क्या हुआ तवा है भैया, गांव की हुआ भैया, अपना तो अभय का वोट जावा अभय सिंह चौधरी, हां पूरे सपोर्टर्स के अनेक किसानों का साथ दिया, जो हां बोला सत्या बोला वहीं पे बात करा बेबाक बोला, यानी के संदीप लोट को जो क्योंकि अपना दल का सिर्फ बीच का वोट जाए भाई। अच्छा कोई कणिया जाओ संदीप लोट के वोट है पक्के। पहला काम में के माहौल रहे करदा जोर पहला मैं एक तरफा ही ना लो एक दी पहला भी अच्छा भी इसके दुष्यंत के एक तरफा ये काम ना एक तरफा मोड़ था लेकिन दुष्यंत ने पे किसान ने लक करवाई है पूरी तरह किसान ने अपनी पड़ी में देख लो कांड होया कड़िए जा लो सरपंच का लठ लग गए हैं, मजदूर का लठ लग गए हैं, कर्मचारी का लठ लग गए हैं, किसान का लठ लग गए हैं। इस सरकार ने जे जे पी बीजेपी ने खूब परेशान करे हैं लोग, हमारी मंडी में जाकर देख लो ई बल्ला खूब गेहूँ पड़ी है, कोई उठाण नहीं हो रहा ना कोई पूछने वाला, माँ में तो पूरे परेशान है जे जे पी बीजेपी के। तो इस बार जो भाई नरवाना पहली बार टिकट आई है सिरसा लोकसभा में, इस चीज़ का बड़े भाई मारा अलग हमें टिकट दी है, मैं इससे बहुत खुशी है। हमने तो संदीप लोट तक दे मतलब बातचीत भी हुई, कैसा व्यक्ति है मतलब भाई अब तक तो देख उस तक बातचीत हुई सुनन में आया वो भाई अच्छा युवा तेरा है अच्छा बतावा क्योंकि दावे हैं भाई एसडीओ की नौकरी छोड़ कर आया हां बिल्कुल अच्छा लड़का है देखो नौकरी छोड़नी हो तो छोटी बात है नहीं छोटी बात नहीं है अब उसने त्याग कर आया किसानों के लिए मजदूरों के लिए त्याग कर आया उसने बीजेपी और कांग्रेस का क्या रुख है बीजेपी का तो है ही नहीं रुख कांग्रेस का कांग्रेस की इसकी टक्कर उसका मन तो यह मान तवाई भी आए चालन लग रही है सारी जगह बीजेपी तो बहुत पीछे है अशोक तंवर ने तो हमें ये कहा गांव में पढ़ नहीं जाएंगे जड़ा तक कोशिश है हमारी ठीक है हाँ जी ताऊ जी राम राम जी ताऊ जी राम राम भाई तो के मोल बना रखा हाँ जी कितनी खास बात है ताऊ कि मैं के विचारधारा था तू मेरे चटाला मार दई हुए हमारे जोर ठीक है रे लगा ना तो हारण मिल गई वो मतलब हमने तो पक्का वोट बनाया रखा भाई इससे देना है पहले इसके 2025 से करीब थी दुष्यंत और पहला भी इन लोग भी न्यू थी ते कभी 2025 से करीब थी मतलब गड्ढा है ये तो गड्ढा है नेलो का ताव जी राम राम क्या बात है गांव की सारे इन लोग बैठे हो गए तम लोग उकर है मतलब कोई दूसरी पार्टी का नाम मिल लेंदा कांग्रेस में होनी की में कोई दम नहीं अच्छा अच्छा हाँ जी ताऊ जी तमने सलाह तो नहीं बनाए रखी है कट्ठे बैठे हो तो सलाह बनाए रखी है अच्छा चाहो इन लोग ने अच्छा चाउर हाँ जी ताऊ जी के मोल है मोल बीजेपी का तो दाना अच्छा हाँ अच्छा देखा है वोट मोर्चा का जोरो अनुन्न दिया अच्छा जोर पे बात है इसका कोई साइड कुछ नहीं है भाई इन्हें लोन देवा कांग्रेस ने देवा बीजेपी का विरोध है तो मैं पूरा अच्छा एक और बात है भाई पर तो कदे कदम से आया था पहली बार तो मिलेगी फिर है नुगा 400 पार आहो 400 पार के उसकी 100 पार भी को नहीं अच्छा बीजेपी की तो खत्म है बड़े बड़े चैनल आ पे अखबार आना 400 पार के खत्म है हां ये ब्लैक वोट का कोई चांस नहीं तो तोड़ जीत दिखेगी जितना कांग्रेस जीतता ही कांग्रेस के जा तम सारा काम मेरा इकट्ठा हो रहा है हमने सोचा भाई सारे रला मिला मैं बोलेंगे तम तो एक लाइन में बोलने लग रहे हो इनेलो इनेलो हां बीजेपी का विरोध है अच्छा पूरा पक्का अच्छा गांव में बढ़ देना भाई अच्छा पूरा मन बनाए रखा है पार्टी को उसी मन पसंद है मन पसंद तो तू भाई आप देख लेंगे हां ठीक है मान अब बीजेपी रानी है मतलब जो सू लगा नहीं भाई गेड़ा या पार्टी देश का है देश का उसे कहा नहीं चुकना अच्छा तो अभी तक अबे का के रुख है मतलब के लग गया सही है अब है अच्छा नी करी दूसरे महकमे जीम गया खोपड़ा दा गौतम जो सारा सौदा खा गया मैं नहीं बेच गया दस को दस सीट दी दस दस सीट जाए कटर के बेच दी कटर की इस्तीफा दे दिया
दोबारा इलेक्शन लड़े, यदि वो हार जाता तो इसकी पार्टी भी खत्म हो सके, लेकिन इसने उस पार्टी को दाव पर त्याग दिया, त्याग कर किसानों के साथ बैठा नहीं, इसने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। तो हम इसके गला इसे करके प्रभावित है, जो कोई किसान ना गला जो किसान इस पार्टी में उस टाइम में कहते हैं यू बड़ी आदमी है, वाशिंग मशीन में तो भी रहते रहते बदलते हैं सारा सौदान है। अच्छा। और देख लो उसकी लेके कांग्रेस ने जिंदड़ान लेके कोला घोटाला रहते रहते लेके ये सारे की केजरीवाल टाइप दी है, इनकी तो कदर फंड में चाह दिया ताना सा सरकार बना रहे दोनों तो चले गए इलेक्शन में होने दो साल बाद फिर यूँ योजना। हाँ मैं तो जो बीजेपी ना रहा उसके वोट दे मांगा चाहे नेल लो चाहे कांग्रेस लो भाई। युवा चाह रहे तो के लग है क्या लव यू ठीक है भी हो नाम बता दे नाम संदीप है भी हो खरड़ गांव का है। हां खरड़ गांव बाहर तो नहीं आता ना काम हो यहां अच्छा के मोल मोल तो भाई यहां पे तो बीजेपी के खिलाफ है बिल्कुल एक मतलब समर्थक किसे है कि नहीं बीजेपी के खिलाफ है ना इन लोग समर्थक हां पूरे अच्छा कट्टर जमा मतलब इन बीजेपी सही हो दिया खुद जो में नहीं पांदे कनाडा बैठे पांदे बीजेपी का खिलाफ हो गया अपना मन पसंद कौन सी है पसंद तो जिसका मोल बनागा बीजेपी का खिलाफ के मोल है अब है यानी कि संदीप लोट खड़े है आप में सिरसा लोकसभा से उसका नहीं जाओगे मतलब जो कैंडिडेट तय रहा है नरवाना तो तुमने सही लगा सही तय रहा है बिल्कुल सही है मतलब अब के कहने पे मतलब सारी बात ठीक है वोट दोगे अब ठीक है भाई बहुत बहुत हाँ जी नंबरदार साहब ठीक हो जमा बढ़िया भाई तो गांव में के मोल बना रखा मोल लोकसभा का मोल तो अब जीतते जीतता का पक्का संदीप लोट का टिकट दुआ रखी है हाँ जमा 100% जीतता कर रहा है कितनी खुशी है भाई पहली बार नरवाना में टिकट मिली है सारी पार्टी सिरसा ने तैयार दे मैदान में भाई मारा तो न्यू कौन मेरा पटे करता कौन तो कड़ा गा रहा है अच्छा मजबूरी में वोट गेट क्या करते कई तो बस स्कूल देखने जा करते अच्छा भाई कड़ा भाई आ रहा कैलन का 100% जीता के बेटा कौन था बोलो भाई यू तो मारा भाई है कैलन गुवांडे मारा अच्छा या सेल तो पहला बाला कुत्ते गिर दिया तो मारा के कूद गया सो अक्टूबर यू पहला कुया आप में गया रे कुया बीजेपी में गया कुया कुया गड़ी भाई तो हम नहीं पाए भाई ये अपना मारा छा में गेड़ा हां वो बात है वाह बात है भाई हम तो मारा सगे भाई ले गुआ कैलन मार में कोई फर्क नहीं दम तैन तक ले गा हो गया मारा हां मैं बड़ी खुशी है भाई मारा भाई तो टिकट दे गया ये तो